नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। जैसे हम लोगों ने बोला था कि एक एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक छोटी सी यूनिट लेंगे और बहुत काफी इजी यूनिट है पॉलिटिकल थिंकर, जो आपके यूजीसी नेट में पॉलिटिकल साइंस में विशेषकर यूनिट नंबर 2 है पॉलिटिकल थिंकर्स, और उसमें भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है उनकी हम लोग बात करेंगे। इसमें एक लंबी लिस्ट है, सभी को हम लोग को एक एक करके पढ़ना है, और मेनली हमारा फोकस इस बात पे रहेगा उनके कि वो किस एरिया से, कौन से देश से बिलोंग करते हैं, कौन से साम्राज्य पे वो रहा करते थे, और उसके बाद मेनली जो जहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है वो है उनके राइट्स से, मतलब जो वो लिखे हैं, जो उनकी किताबें हैं वहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। और एक दो वो हर थिंकर से कथन है, स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और वो एग्जामिनेशन में आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि हम उनकी किताबें पढ़ लें और उनके जो पवित्र ग्रंथ है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद उनके जो स्टेटमेंट है उनमें देखेंगे, और उनका मेन जो थीम कोर जो उनका आइडियोलॉजी था और थॉट्स था उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग थिंकर्स को देखें तो कन्फ्यूशियस। अब कन्फ्यूशियस से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहले थिंकर्स जो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो कन्फ्यूशियस के बारे में हम सब लोग जानने से पहले एक आपके दिमाग में इमेजिनेशन होना चाहिए। जैसे ही कन्फ्यूशियस आए दिमाग में तो समझ लीजिए कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन से मतलब पहुंच जाइए आप चीन। तो चीन में क्या होता था, चीन में चाऊ चाऊ साम्राज्य हुआ करता था, या फिर चाऊ एम्पायर हुआ करता था। जिस तरह से हमारे हमारा देश है उसी तरह चीन में एक चाऊ साम्राज्य हुआ करता था। कभी क्वेश्चन आ जाए कि जो कन्फ्यूशियस दार्शनिक थे या फिर विचारक थे तो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो चीन से बिलोंग करते थे और चीन में चाऊ साम्राज्य से बिलोंग करते थे। चाऊ साम्राज्य की बात है 1100 ईसा पूर्व से लेके, अगर इससे हम 250 ईसा पूर्व तक की बात करें, इस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस समय कन्फ्यूशियस हुआ करते थे। ठीक है, अब हमको उनके कद काठी पे नहीं जाना है, गोरे थे, काले थे, नीले थे, पीले थे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में वो नहीं आना है। ठीक है, तो चाऊ साम्राज्य जो कि कहाँ पड़ता है, वर्तमान चीन में आता है, तो वहां पर कन्फ्यूशियस एक दार्शनिक विचारक हुए, राजनीतिक विचारक हुए और सामाजिक दार्शनिक व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है, बात अगर कहें, अगर भारत में कंटेम्प्रेरी या फिर समकालीन कौन हुआ करते थे, तो उस समय अगर आप लोग देखेंगे 1100 ईसा पूर्व और 250 ईसा पूर्व के बीच में देखेंगे, तो हमारे यहाँ पर मेनली उस समय बौद्धिस्ट गौतम बुद्ध का इरा चल रहा था। आप लोग सब जानते हैं 650 के आसपास तो बौद्ध इरा चल रहा था। ये अगर आपके दिमाग में याद करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा, बुद्ध भगवान उधर कन्फ्यूशियस रहा करते। ठीक है, चाऊ साम्राज्य कहाँ पे, चीन पे स्थापित है। अब हम लोग ये बात करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि हम लोगों को मेन चीजें इसमें क्या डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हमको इसमें ये डिस्कस करना है कि इनके क्या किताबें थी, क्या थे उनके स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनका एक शिष्य हुआ करता था, जिस तरह से हम लोगों ने देखा है सबके शिष्य गुरु होते और उनके एक शिष्य होता है, तो इनका भी एक शिष्य हुआ मेनकियस। ठीक है ना, मेनकियस इनका शिष्य हुआ, जिसके नाम पर एक किताब भी इनने लिखा है। ठीक है, तो मेनकियस शिष्य लिखा, और इसके ही द्वारा हम लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिलता है कन्फ्यूशियस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या कि इनकी कौन कौन से किताबें थी। किताबों के पहले थोड़ा सा हम इनके बारे में, तीन इनके प्रमुख पांच सिद्धांत थे, पांच सिद्धांत या फिर 5 प्रिंसिपल अगर बोलें, तो इनके 5 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे, तो आप लोगों ने कभी शायद अगर पढ़ने का मौका मिला हुआ तो ली ई और रेन, क्या ली ई और रेन, ये इनके 3 प्रमुख सिद्धांत थे, और बाद में 2 सिद्धांत और जोड़े जाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं झी और जिन, क्या झी और जिन। कन्फ्यूशियस के बारे में अगर आप ये जानते हैं तो मान लीजिए काफी चीजें आप जान रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल सा मतलब है कि ली
सिंपल सा मतलब है, ली का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, रेन रेन का मतलब क्या है, जी और जिन का मतलब क्या है, जिन एक्साइन, ये सब चीनी शब्द है क्योंकि चीन के व्यक्ति हुआ करते थे। तो ली का सीधा मतलब इनका हुआ करता था मर्यादा, सम्मान, या फिर यूं कहें संस्कार से। बहुत आराम से आप समझेंगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा, क्योंकि संस्कार से मतलब है ली, ये का मतलब है धार्मिकता से, क्या सदाचार या फिर धार्मिकता, ठीक है। तीसरा मतलब है रेन, रेन का सीधा सा यहां पर मतलब है परोपकार या फिर मानवता से, परोपकार या फिर मानवता, ये इनके तीन सिद्धांतों में प्रमुख थे। उसके बाद इन्होंने दो और सिद्धांत के बारे में, इन्होंने पांच, उनको पांच सदगुण के नाम से बोला जाता है, इसको बोलते हैं ज्ञान, जी का मतलब ज्ञान होता है, और एक्साइन मतलब जिन, जिन का मतलब होता है विश्वसनीयता, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि इनके अगर तीन सिद्धांत कभी आ जाए तो ली ई रेन, ठीक है, पांच सदगुण अगर बोले, हाई वर्चू, अगर वर्चू की बात करेंगे तो कन्फ्यूशियस के ली ई रेन जी और जिन, मर्यादा सदाचार परोपकार ज्ञान और विश्वसनीयता, ये सारी चीजें इनके मेन प्रमुख सिद्धांत के ओर इंगित करता है, ठीक है। ये आपसे सबसे इंपॉर्टेंट है कन्फ्यूशियस के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं कन्फ्यूशियस के बारे में कुछ और चीजें जानने की कोशिश करेंगे। किताबें हम लोग लिस्ट लास्ट में देंगे, उससे पहले थोड़ा सा और हम लोग जान जाते हैं। एक दो स्टेटमेंट है, जैसे एक स्टेटमेंट है जो आप स्वयं के लिए नहीं चाहते हैं वह आपको किसी और के लिए नहीं करना चाहिए, ये किसका सेंटेंस है आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो आप स्वयं के लिए नहीं चाहते हैं वह आपको किसी और के लिए नहीं करना चाहिए, ये सेंटेंस कन्फ्यूशियस का है। इसका मतलब कि उन्होंने क्या बोला है कि मानव एक नैतिक प्राणी है, क्या बोला है उन्होंने, कि मानव एक नैतिक प्राणी है, मानव एक नैतिक प्राणी है। देखिए आप उनका कहना का मतलब यही हो रहा है ना, आप दूसरों के लिए अगर नहीं चाहते हैं बुरा तो अपने दूसरों के लिए जो आप नहीं चाहते हैं, सॉरी जो स्वयं के लिए भी नहीं चाहते हैं वो आप दूसरों के साथ मत करें। इंसान अपना बुरा नहीं चाहता तो दूसरे का भी बुरा ना करे, ठीक है। तो मानव को उन्होंने नैतिक प्राणी बोला है, ओके। फिर उसके बाद और एक दो सेंटेंस है उनके, अगर पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, पॉलिटिकल थॉट जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, पॉलिटिकल थॉट उनका क्या था कि वो कहते हैं कि राजा, राजा जो किंग होता है, किंग को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, मतलब राजा को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, राजा को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए, ये किसने कहा, कन्फ्यूशियस ने कहा। और अच्छा शासक राजा के रूप में, ठीक है, अच्छा शासक कब कहलाया जाएगा, राजा राजा के रूप में हो, पिता पिता के रूप में हो, और मंत्री मंत्री के रूप में हो, और इस तरह उन्होंने कहा, राजा राजा के रूप में हो, मंत्री मंत्री के रूप में हो, पिता पिता के रूप में, तब वो एक अच्छा शासन कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब अगर मान लीजिए बोला पिता पिता के रूप में, तो पिता सारे अपने जो जिम्मेदारियां हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको निभाए, ये उनका कहने का, ठीक है, मतलब था। और उनके थॉट्स की अगर बात करें, चाइना में या फिर चीन में वो क्या कर चाहते थे, एकीकृत शाही राज बनाना चाहते थे, इंटीग्रेटेड, एकीकृत शाही राज के समर्थक थे, ठीक है। ये दूसरी उनकी बात, राजा को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, राजा को अनुशासन में रहना चाहिए, उनका कहना था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे कि राजा को हमेशा सद्गुणी होना चाहिए, हम लोगों ने देखा है सद्गुणी होना चाहिए, किसको, राजा को, ये इनके मेन विचार है। अब सद्गुणी मतलब ये आप देख सकते हैं, पांच सद्गुणों की इन्होंने चर्चा किया है, ली ई रेन जी और जिन,
ये उनके हिसाब से 5 सद्गुण है। ठीक है, तो ये रहा कन्फ्यूशियस का कुछ बातें। कुछ और सेंटेंसेस है, जैसे मैं देख पा रहा हूं कि कन्फ्यूशियस के अनुसार जो व्यक्ति अपने सद्गुणों के द्वारा शासन करता है उस एक ध्रुव तारे की भांति है जो अपने स्थान पर अडिग रहता है और अन्य सभी छोटे तारे उसे सम्मान देते हैं। ध्रुव तारा अडिग रहता है और अन्य सभी तारे उसको सम्मान देते हैं। ये सेंटेंस कन्फ्यूशियस का है। कन्फ्यूशियस चीन को एकीकृत शाही शासक बनाना चाहते थे, हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, उन्होंने सद्गुण का समर्थन किया और उन्होंने क्या कहा, हम लोगों ने 3-4 सेंटेंस, अच्छा शासन राजा के राजा होने पे, मंत्री के मंत्री होने पे, पिता के पिता होने पे, पुत्र के पुत्र होने में बिलीव करता है। ठीक है, तो इतनी सी बातें कन्फ्यूशियस के बारे में आप लोगों को जानने की जरूरत थी। अब हमारा मेन सेगमेंट जो आता है वो आता है बुक्स। ठीक है, इनकी किताबें कौन कौन सी थी और वो जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इनकी अगर बात करें तो सेक्रेड या फिर ग्रंथ, ठीक है, इनकी अगर उसकी बात करें सेक्रेड टेक्स्ट की, मतलब पवित्र ग्रंथों की बात करें, तो इन्होंने 5 क्लासिक सिद्धांत दिए, जिनमें 5 क्लासिक सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो क्लासिक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्लासिक ऑफ चेंज, क्लासिक ऑफ पोएट्री, एक क्लासिक दिए पहला क्लासिक ऑफ चेंज, एक दूसरा नंबर क्लासिक ऑफ डॉक्यूमेंट, तीसरा नंबर क्लासिक ऑफ पोएट्री, और चौथा नंबर अगर बात करें तो क्या हुआ, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, क्या रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, और एक पांचवा और आखिरी क्लासिक की अगर हम लोग बात करें तो इसमें है स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स। ये इनके 5 पवित्र ग्रंथ या फिर 5 राइट्स या फिर टेक्स्ट हैं। ठीक है, अब इनकी 4 किताबें हैं जो आपको एकदम से रट के रखना है, यहां से क्वेश्चन 100 में 101% आने की संभावना है। एक किताब तो आता ही आता है। ठीक है, तो अगर किताबों की बात करें, बुक्स, इनकी बुक्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4 किताबें आपको याद रखना है, उसके अलावा ज्यादा इसमें आपको नहीं याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहला किताब है द एनालेक्स, ये किताब है। ठीक है, इसमें ही उन्होंने ये चर्चा किया है कि मानव इंसान एक नैतिक, मानव एक नैतिक प्राणी है। ठीक है, इस द एनालेक्स में उन्होंने चर्चा किया। दूसरा, उन्होंने अपने सिर्फ मेनेसियस के नाम पर किताब लिखी, मेनेसियस बोला जाएगा। ठीक है, द ग्रेट लर्निंग, ओके। और चौथी किताब और आखिरी किताब है डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन, ठीक है, द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, ओके। 4 किताबों की अगर हम लोग बात करें तो कन्फ्यूशियस की कौन कौन सी है, द एनालेक्स, ठीक है, मेनिकियस, द ग्रेट लर्निंग, द डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, 4 ये किताबें हैं। स्टेटमेंट के हम लोगों ने चर्चा कर लिया, कौन से साम्राज्य से आते थे तो हम लोग ने देख लिया, चाउ साम्राज्य में आते थे। किस समय की बात है ये, तो लगभग 1100 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व के मध्य की ये कहानी है। इतनी बातें आपको कन्फ्यूशियस के बारे में रखना है। एक सवाल आपसे कि कन्फ्यूशियस जो है वो उनका नाम है, लेकिन कन्फ्यूशियस का एक असली नाम जो चीनी भाषा में, आपको अगर मालूम है या फिर कहीं आप सर्च करके दे पाते हैं तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाकी चलतू नाम का कन्फ्यूशियस है और कभी दूसरा नाम नहीं आएगा, यही आएगा, कन्फ्यूशियस ही आएगा। तो ठीक है, ये हुए हमारे कन्फ्यूशियस महोदय। उसके बाद हम लोग दूसरे थिंकर्स पे अगले दिन पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके। कभी कभी ऐसा होगा कि हम दो थिंकर्स को भी साथ में ले सकते हैं, अभी शुरुआती है वह मामला, इसलिए आप एक एक थिंकर्स को ऐसे ही पढ़ते चले। ज्यादा लंबा हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि आप इसको कभी भी देख सकते हैं खड़े होके, बैठ के, और टाइम पास जैसे
एपिसोड टाइप का आप लोग देख लीजिए, जिस तरह आप वेब सीरीज देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा कन्फ्यूजन। तो आई होप आप सब लोग को समझ में आ गया होगा, इनके पांच सिद्धांत को याद रखना है, पांच सदगुण जो इन्होंने बताए वही है, उनको याद रखना है, ठीक है। ली यी रेन जी और जेन, ये आपको जरूर याद रखना है, ओके। तो इस तरह से कन्फ्यूशियस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, इतनी ही बातें इनके बारे में है, इससे ज्यादा आपको नहीं ध्यान देना है। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आएगा, इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है। तो चलते हैं, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।